है दोस्तों, वेलकम टू ड्राइव एक्सट्रीम इंडिया। मेरा नाम है हितेंद्र। तो आज हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है हुंडई ओरा एस वेरिएंट पेट्रोल वर्जन। तो आज हम इसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे। इसके वेरिएंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे तीन वेरिएंट हमें देखने को मिलते हैं, ई, एस और एस एक्स। इसमें ऑप्शन भी आता है, जैसे एस एक्स ऑप्शनल और एस एक्स प्लस करके वेरिएंट एक आता है, जिसमें आपको 1 लीटर का इंजन देखने को मिलता है पेट्रोल, जिसका पावर पिकअप ज़्यादा है वो, यानी कि टर्बोचार्ज इंजन। और ये वेरिएंट जो है एस वेरिएंट, इसमें आपको सीएनजी भी देखने को मिलता है। तो पर्टिकुलरली इसी वेरिएंट में आपको सीएनजी भी आता है। और इसके प्राइसिंग की बात की जाए तो ये 7 लाख ऑन रोड से शुरू होती है और जाके 9.5 लाख तक ये जाती है ऑन रोड। आपके सिटी टू सिटी वेरी करता है कि किस प्राइस में आपको देखने को मिलेगी। पर्टिकुलरली इस वेरिएंट की प्राइस मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि इस वेरिएंट की क्या प्राइस है। पेट्रोल डीजल सीएनजी तीनों में ही ये गाड़ी हमें देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते हैं इसके की तरफ, देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। तो की में हमें 3 ऑप्शन है, जैसे कि आप इसको बूट खोल सकते हैं, डोर अनलॉक और डोर लॉक। तो ये कुछ इस तरह से इसकी की है, हुंडई का लोगो मिल जाएगा, तो होल्ड करने में अच्छा लगता है, क्वालिटी इसकी अच्छी लगती है। चलिए गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। पहली जो चीज़ हमें देखने को मिल गई ये है इसका ऑल ब्लैक ग्रिल। जी हाँ, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आता है और यहीं पे आपको DRL भी देखने को मिलेगा। तो ये अच्छी चीज़ है, आपको एस वेरिएंट में DRL देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्प मिलेगा और सराउंडिंग इसका जो है वो आपको ब्लैक कलर मिलेगा। और ये इसके बम्पर्स, इसमें आपको कोई भी सिल्वर फिनिश नहीं मिलता, ये बॉडी कलर में ही मिलेगा। पर नीचे की तरफ आपको देखेंगे तो एक मैट ब्लैक फिनिश मिलता है। हेडलैम्प यूनिट की बात की जाए तो ये इसका हेडलैम्प यूनिट, यहाँ पे आपको कोई प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को नहीं मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो साइड प्रोफाइल, अब ये ग्रैंड आइटन नियोस जैसी ही है इसका साइड प्रोफाइल। बस यहाँ पे आपको एक बूट स्पेस यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको बूट ज़्यादा बढ़ा के दिया है। और ये है इसका फेंडर, तो यहाँ पे फेंडर में आपको साइड इंडिकेटर मिलेगा। वो बाहर के ORVM में आपको कोई भी साइड इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता, ये बॉडी कलर ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई क्रोम की फिनिशिंग नहीं मिलती, ऑल ब्लैक मिलेगा। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे। तो ये है कुछ इसका साइड प्रोफाइल। और साइड प्रोफाइल में आपको व्हील कैप देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो एक बार इसका प्रोफाइल जान लेते हैं कि कौन से प्रोफाइल का व्हील है ये। 65 70 R 14 165 70 R 14, यानी कि आपको 14 इंचेस के व्हील्स इस एस वेरिएंट्स में देखने को मिलते हैं। तो चलिए पीछे की तरफ चलते हैं, क्या हमें दिया हुआ है। तो अब जो पीछे का जो लुक है ये काफ़ी यूनिक लगता है। जो टेल लैंप जो कनेक्टेड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे कनेक्टेड है, तो एक स्प्लिट और जॉइन जो है एक काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको ओरा की बैजिंग देखने को मिलेगी, हुंडई का लोगो देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलता है, तो ये अच्छी बात है। और एक ब्लैक ट्रीटमेंट की गई है पीछे की तरफ। तो एक बार इसका बूट स्पेस देखते हैं कि यहाँ पे हमें कितना बूट स्पेस मिलता है। तो बूट स्पेस खोलने के लिए आपको इसे बस होल्ड करना है। यहाँ पे 402 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, काफ़ी मैसिव यहाँ पे बूट स्पेस है, तो सामान रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो बूट स्पेस के अंदर आपको कोई लाइटिंग सचेस वगैरह नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील्स मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। तो ये है कुछ इसका बूट। तो ये रहा इसका साइड प्रोफाइल। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आपको शार्फिन एंटीना नहीं मिलता, एक रेगुलर एंटीना मिलेगा। चलिए डोर की तरफ, तो डोर में हमें ऑल 4 पावर विंडो मिलेगा। बाहर का ORVM आप इलेक्ट्रिकली अंदर से एडजस्ट कर सकते हो, और ऑल डोर लॉक अनलॉक आप आगे से ही कर सकते हैं। तो एक बार गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं क्या स्पेस मिलता है। तो जो इसका स्टेयरिंग है वो दिखने में काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता है, देखिए सिल्वर की फिनिश मिल जाएगी। और ये रहा इसके की कंट्रोल, जो ऑडियो कंट्रोल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन जैसे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, कॉल रिसीव और डिसकनेक्ट का भी फीचर मिल जाता है। और यहाँ पे मोड है, जो आप MID जो इसका दिया हुआ है वहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एनालॉग मिलेगा, RPM मीटर और स्पीडोमीटर दोनों एनालॉग मिलेगा। बीच में आपको MID मिलेगा, एक बार मैं चालू करके दिखाता हूँ। वहीं इसके सेंटर कंसोल की बात की जाए तो सेंटर कंसोल दिखने में अच्छा है। इंफोटेनमेंट आपको टूरिंग सिस्टम मिलेगा, इसके सारे कंट्रोल्स यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको मिलेंगे ऑडियो के। ये इसका AC वेंट और यहाँ पे उसके AC वेंट के कंट्रोल। ये मैनुअल AC है, ऑटो AC हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इसका ये हैंड ब्रेक। स्टोरेज स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिलेंगे और कुछ स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। और ये इसका ग्लव बॉक्स, यहाँ पे भी आपको डिसेंट
ग्लव बॉक्स मिलेगा और ये कूल ग्लव बॉक्स आपको इसमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके फिट एंड फिनिश के, तो फिट एंड फिनिश गाड़ी का काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो है कलर है ये काफ़ी इन्हेंस करता है इसके इंटीरियर लुक को। तो आप बोल सकते हैं इसको 3 टोन है कलर, ये बेज और ये गोल्डन जैसे सिल्वर जैसे दिखता है और ये आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आपको IRVM मिलेगा, इंटीरियर रियर व्यू मिरर, तो यहाँ पे आपको मैन्युअली एडजस्टेबल आपको ये IRVM मिलता है। ये सामने की तरफ आपको कोई वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाएंगे। ड्राइवर साइड भी आपको कोई भी वैनिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे आपको होल्ड करने के लिए मिल जाएगा। बात कर जाए कुशनिंग की तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा रियली में, क्योंकि जो इसकी फिनिशिंग है वो काफ़ी अलग है दूसरे इससे। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, इसकी फिनिशिंग थोड़ी अलग है तो ये दिखने में काफ़ी अच्छी यहाँ पे लग रही है। तो ये इसका जो कुशनिंग है, इसका जो मटेरियल है, ये काफ़ी मुझे पसंद आया है इसके अंदर। और देखा जाए तो बैठने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। वेंट भी देखिए काफ़ी यूनिक है, यहाँ पे राउंड शेप्ड एसी वेंट मिलेगा तो ये दिखने में अच्छा लगता है। तो एक बार पीछे की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमें वहाँ पे कितनी स्पेस मिलती है। पर मैं इसको पहले अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद रियर स्पेस हम देखेंगे। सीट यहाँ पे अच्छा स्पेस हमें देखने को मिलता है, एक बार मैं इसको बंद कर लेता हूँ। तो ये रहा इसका स्पेस, काफ़ी अच्छा स्पेस है। सेडान को कंसिडर करें तो ये एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान है, तो उस इस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस हमें देखने को मिलता है। रेयर एसी वेंट हमें देखने को मिल जाएगा। और बैठने की बात करूं तो मुझे लगता है 3 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं, या तो 2 एडल्ट और 1 चाइल्ड यहाँ पे आराम से बैठ सकता है। बीच में आपको आर्मरेस्ट मिलता है, 2 आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, फ्रंट का जो हेडरेस्ट है वो आपको फिक्स्ड मिलता है। एक बार मैं इसका डैशबोर्ड दिखा दूं तो कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड दिखता है। डैशबोर्ड दिखने में काफ़ी नीट एंड क्लीन है, क्वालिटी वाइज ये काफ़ी रिच लगता है। इसके सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2 एयरबैग ABS विद EBD आपको सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड देखने को मिलती है सारे ही वेरिएंट्स में। इसमें इंजन इमोबिलाइजर आ जाएगा, चाइल्ड सेफ्टी लॉक आ जाएगा, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे फीचर्स यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो देखा जाए तो आपको बेस मॉडल से टॉप एंड मॉडल तक आपको सारे ही सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। की तरफ नज़र डालते हैं, देखते हैं इसका, तो यहाँ पे हमें 1.2 लीटर का कापा इंजन देखने को मिलता है पेट्रोल, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 82 PS का और 114 NM का टॉर्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये है इसका इंजन। और नॉइज़ की बात की जाए तो ज़्यादा नॉइज़ नहीं करता ये, कैबिन के अंदर आपको ज़्यादा नॉइज़ देखने को नहीं मिलता। तो ये है इसका इंजन। एक बार इसको बंद कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे सारा फीचर्स था, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे। आपको क्या लगता है गाड़ी दिखने में कैसी है, गाड़ी का प्राइस पॉइंट क्या है, गाड़ी में क्या क्या फीचर्स है? तो ये S वेरियंट था जिसका हमने मिलते हैं अपने ऐसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।